यूपी में सनातन के दुश्मनों की हेकड़ी नहीं चलने वाली। उन्नाव के बीघापुर में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां मुस्लिम बाहुल्य बीघापुर के गांव रानीपुर में मंदिर की छत डालने और जीर्णोद्धार कार्य का मुस्लिमों में विरोध हो रहा था। वो किसी भी हाल में शिव मंदिर को नहीं बनने देने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन अब इस मामले को प्रशासन की तरफ से सुलझा लिया गया। मंदिर बनाने पर रजामंदी दोनों पक्षों के बीच हो गई है, लेकिन सवाल ये कि मंदिर पर हंगामा हुआ ही क्यों? 40 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर क्यों बवाल काटा जा रहा था, जबकि इसी गांव में एक शानदार मस्जिद भी नजर आती है। लेकिन शिव मंदिर की हालत को देखकर लगता है कि यहाँ के हिंदू डरे हुए हैं, डर के साए में जीने के लिए मजबूर है, अपने मंदिर को लेकर भी आजादी से अपना फैसला नहीं ले पा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की मदद की उनकी जरूरत की नौबत आ गई है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर सनातन के ऐसे दुश्मन और कहां कहां छिपे हैं, इनकी पहचान बहुत जरूरी है। ऐसे सनातन के दुश्मनों पर वार बहुत जरूरी है। सनातन के दुश्मनों की पहचान करनी होगी। उन्नाव जैसा मामला और कहां कहां हो सकता है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, क्या वहां पर हिंदू बेहाल है? बड़ा सवाल। मंदिर पर कब्जा कौन करना चाहता है? क्या इसको लेकर बकायदा साजिश रची जा रही है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात कि आखिरकार सनातन के दुश्मन कौन और कहां कहां। तो कुल मिलाकर उन्नाव जैसा मामला और कहां कहां है, कहां कहां इस तरह के लोग छिपे बैठे हैं जो सनातन के दुश्मन हैं। दरअसल यहां पर ये जो मामला निकलकर सामने आया, एक इलाका है जहां पर 90% मुस्लिम आबादी है। ये लोग एक मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा था, उसका विरोध करने वहां पर पहुंच गए। इस वजह से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए, विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद पुलिस को प्रशासन को वहां पर बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। समझौता भी हुआ, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि समझौता तो हो गया है, लेकिन विरोध पहले हो ही क्यों रहा था? 90% आबादी यहां पर मुसलमानों की है, और ऐसे में क्या वहां जो 10% हिंदू अगर रह भी रहे हैं तो वो डर के साए में रहने के लिए क्या मजबूर है? वहां पर वो अपने मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य भी नहीं करवा पाएंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। ऐसे में क्या वहाँ संविधान नहीं है? न्यायपालिका की क्या वहाँ नहीं चलती है? पुलिस प्रशासन की क्या वहाँ नहीं चलती है? क्या सिर्फ जहाँ पर जिस पक्ष की आबादी ज्यादा होगी क्या उन्हीं की चलेगी? ये भी बड़ा सवाल है। तहसीलदार सर ने मुझे आदेश किया था यहाँ मौके पे आने के लिए। क्या क्या स्थिति? ये विवाद था कि यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद का विवाद चल रहा था बनने के लिए, तो अब आपसी सहमति बन गई है दोनों पक्षों में, तो अब ये बना सकते हैं। दूसरे पक्ष से आपकी वार्ता हो गई? वार्ता हो चुकी है, आबादी का मैटर है तो बहुत ज्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता आबादी जी। ले ले, क्या सहमति दूसरे पक्ष? दोनों पक्ष ने सहमति दे दी है, दूसरा पक्ष कह रहा है उन्हें कोई आपत्ति नहीं। आपकी तरफ से मंदिर निर्माण के लिए हरी झंडी दी गई है? बनवास की आबादी में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बहुत दोनों अब यही है, कहते हैं छत नहीं डालने देंगे। क्यों नहीं डालने देंगे? कहते हैं कि छत पड़ जाए जी, छत पड़ जाए, यही में शादी होती, मुंडन छेदन, बारात दुल्हन आती, यही में तो कहा धूम में बहुरिया खड़ी रही है, मुंडन करवाइबे अबे तो कहा छत में तपी रही है चट, तो वही में छत में बैठ गई है कौन। पूरा मामला ये है सर जी, हम लोग यहाँ पर आके गाना भजन करते हैं, गाना कीर्तन करते हैं, यहाँ पे रोड पे बैठ के, यहाँ पर जमीन नहीं है और 5 बिस्वा जमीन थी सब हड़प ली गई है, और हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये लोग रोक लगाते हैं, तीज त्योहार आते हैं यहाँ पर डीजे बजाते हैं या गाना या आरती बजाते हैं, और तीज त्योहार में आते हैं तो ये लोग कहते हैं यहाँ पर आओगी, बच्चों को मारते भी हैं और कहते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना करो, ये मंदिर बाहर बनाओ जाके, बाहर सब लोग जहाँ करना है सो करो, यहाँ गाँव के बीच में हमारी अजान में दिक्कत होती है। मंदिर नहीं बने गए रहा, उनको आक्रास हो रही, उनकी अजान हो कि हमारी ये पूजा पाठ ना हो, हम छाही में बैठे हमारी धूप में माता जी बैठी रहें, छिन भरी बैठी हो घामे में तो घाम लागे कि ना लागे, भूल भूली में पाँच धरी हो पाँच जट जाई हैं, और हमारी माता जी तो उन्हें भूल भूली में पड़ी रहें, इनका आर्डर है कि हिमा तो छति ना डारो, छति नहीं डारे दे, पानी नहीं दे रहे, मारे की कहते कि हम विवाद बढ़ जाएगा, मैं अजान पढ़ूंगा इनका घंटा बजेगा, इनका रामायण होगा, इनका साउंड बजेगा, इसके मारे कहते हैं कि ऐसे पूजा करो, इसमें मंदिर छत नहीं डालने दूंगा, कुछ भी जहां मन जहां इच्छा हो जहां तुम जाओ, मेरा कुछ नहीं हो जाए, ज्यादा करोगे तो हम वो लगाएंगे उसमें क्या बोलते हैं कभी बंद। और इस पर हमारे संवाददाता उन्नाव से संकल्प दीक्षित इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं।
संकल्प उन्नाव में हिंदुओं पर अत्याचार का क्या है ये मामला? शिव मंदिर को लेकर, उसके निर्माण कार्य को लेकर क्यों मचा इतना बवाल? चलिए आवाज लगता है उन तक पहुंच नहीं पा रही है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आखिरकार वहां पर क्यों ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। सनातन के दुश्मनों की पहचान करनी क्यों इतनी ज़रूरी है? क्योंकि देखिए 90% वहाँ पर मुस्लिम आबादी है और वहाँ एक मंदिर के अंदर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, उसकी छत डलने का वहाँ पर काम हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी जर्जर हालत में मंदिर हो गया था। ऐसे में वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुँचते हैं, हंगामा करते हैं, उन्हें मंजूर नहीं होता मंदिर में किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य हो, उसका जीर्णोद्धार हो, और इसी की वजह से दोनों पक्ष वहाँ पर आमने सामने आ जाते, जिसके बाद नायब तहसीलदार वहाँ मौके पर पहुँच है, तब जाकर प्रशासनिक अधिकारी के इंटरवीन करने के बाद वहां पर दोनों पक्षों से बातचीत करते हुए समझौता किया जाता है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फजल अहमद इस समय जुड़ चुके हैं। फजल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। फजल साहब, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है अगर वहां पर शिव मंदिर का किसी तरह का कोई निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जर्जर स्थिति में मंदिर पहुंच चुका था, वहां पर अगर जीर्णोद्धार का काम चल रहा है तो मुस्लिम आबादी को वहां दिक्कत क्यों हो गई? लगता है कनेक्शन हो नहीं पाया है उनसे भी, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। फिलहाल ये मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। उन्नाव का ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ठीक है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन हिंदुओं को क्यों डराया जा रहा है? हिंदू क्या अपने मंदिरों को लेकर फैसले नहीं ले सकते? संकल्प दीक्षित एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। संकल्प, क्या है पूरा मामला, क्या वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, शिव मंदिर को लेकर, इसके निर्माण कार्य को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए शिल्पा, पिछले दो दिन से बीघापुर तहसील के बीघापुर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में जो आप तस्वीर कह रही है वो बिल्कुल सही पर है। कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी ज्यादा होने से वहां के हिंदू जो है वो डरे हुए हैं। कट्टरपंथियों ने शिव मंदिर निर्माण होने पर रोक लगा दी है क्योंकि छत का निर्माण होने के लिए वहां पर जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो लगातार एकत्रित हो रहे थे। छत डलाने की बात हो रही थी, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था क्योंकि मंदिर में छत न पड़ने से वहां जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनकी वजह से वहां पर दिक्कतें हो रही थी। तो लिहाजा जो हिंदू वर्ग के लोग थे, हिंदू पक्ष के लोग थे, तो छत डलवाने की कवायद कर रहे थे। लगभग ये प्रकरण पिछले काफी समय चल रहा है, लेकिन 21 तारीख से ये मामला पूरी तरीके से मीडिया के सुर्खियों में आया है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और गांव की डीएम गौरांग राठी ने सदर एसडीएम को मामले की जांच के आदेश दिए और 3 सदस्यीय टीम गठित की गई, जिसमें नायब तहसीलदार कानून और लेखपाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच की है और पूरे मामले की जांच करते हुए पता पाया गया है कि जो जमीन है जिसका विवाद था, जिसकी ओर से मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे थे कि ये जमीन हमारी है, वो आबादी की जमीन निकली है, जिस पर अब दोनों पक्षों को सामने बुला करके बैठा करके मामले में रजामंदी कर दी गई। लेकिन फिलहाल पिछले दो दिनों से मामला पूरी तरीके से तनाव पे था। क्या वहां पर इस मंदिर पर कब्जे का भी दावा किया जा रहा था, इसके जमीन पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा था, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया, ये विवाद इतना बढ़ गया? देखिए शिल्पा, कहीं ना कहीं जो पूरा मामला था उसमें बात जो निकल के आ रही, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जब लोगों से प्रशासन ने बात की है तो उनका ही कहना है कि प्रशासन मुस्लिम पक्ष के लोगों के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं थे कि आखिर वहां पर मंदिर निर्माण क्यों कराए, क्योंकि आबादी की जमीन में होने पर दोनों पक्षों को किसी भी तरीके की सहमति जो है वो लेनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उनका ये कहना था कि मंदिर होने से यहाँ पर घंटियां बजेंगे, संक्रांत होगी, इससे विवाद पैदा होगा, जबकि हिंदू पक्ष के लोग थे उनका साफ तौर पर कहना था 20 कदम की दूरी पर जब मस्जिद है उससे हमें किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, वहां अजान पड़ी जाती है उससे हमें किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, वहां लाउड स्पीकर लगे हुए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हिंदू मंदिर से किस तरीके से आसान खिलवाड़ किया जा रहा पूरा मामला था। प्रशासन मौजूद रहा वहां पर, टिकट लगा दी गई पूरी तरीके से मामले को। खड़ा होता है कि वहां पर एक खास समुदाय की मनमानी चलने ही क्यों दी जा रही थी, ये नौबत ही क्यों आई? देखिए शिल्पा, इस बात के लिए बात की जाए तो पिछले 70 सालों से वो मंदिर वहां पर बनाया गया है,
जो मंदिर है, तो वहाँ पर आबादी जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर 90-50 गांव, लगभग 130 गांव मुस्लिम परिवार के लोगों के, लगभग 20-30 परिवार वहाँ पर हिंदू वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसा ये मामला, ये हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है, वहाँ पर भी ये मामला सामने निकल के आया, जांच में भी सामने निकल के आया, लेकिन जो दबाव था वो लगातार मुस्लिम वर्ग के लोगों की ओर से बनाया जा रहा था कि यहाँ पर मंदिर निर्माण नहीं हो जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि मामला आमने सामने हो गया, दोनों पक्ष आमने सामने की स्थिति में थे, तो ऐसे में प्रशासन ने अपने हाथों में सामान संभाली और पूरे मामले का निष्पक्ष पकड़ाया है। फिलहाल अब मंदिर की बात की जाए तो मंदिर दोनों पक्षों की सहमति के बाद कल से मंदिर का निर्माण भी शुरू कराया जाएगा। बेशक से समझौता अब हो गया हो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इससे पहले ये विरोध हो ही क्यों रहा था, और अब ये समझौता आगे कितना कारगर साबित होता है इस पर भी नजर बनी हुई है। चलिए आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी, प्रदेश प्रवक्ता हिंदू महासभा की, ये भी जुड़ गए हैं। नितिन जी, कौन है ये लोग जो सनातन के दुश्मन बने बैठे हैं और कैसे हो इनकी पहचान? देखिए, ये आज ये जो यूपी में आप देख रहे होंगे, इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही है। अभी बहराइच में आपने देखा कैसे एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। ठीक है, आप देखिए इस तरह की जो घटनाएं होती है, ये चीज ये दर्शाती है कि जहाँ पे ये विशेष वर्ग के लोग बहुल्य होते हैं वो इस तरह के कार्य करते हैं। बताइए, अभी मैं आपके संवाददाता को सुन रहा था, उनका साफ साफ कहना है कि जो विशेष वर्ग के लोग हैं उनका कहना है कि अगर मंदिर का निर्माण होगा, घंटियां होंगी तो लोगों को आपत्ति होगी। बताइए, क्या घंटी बनी है तो किसी को आपत्ति होती है? शहर में इतनी मस्जिदें हैं, उनमें अजान पड़ जाती है, तो क्या उनसे लोगों को क्या कहते दिक्कतें होती हैं? तो अगर ऐसा है तो उनके लाउड स्पीकर भी हटाने जाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस तरह के, देखिए जो एक हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी है, लेकिन जहाँ पे भी वो उनकी संख्या बढ़ती है वहाँ पे इस तरह के कष्ट आज हम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बहराइच में भी आपने यही देखा कि किस तरह हिंदुओं पे क्या कहते हैं पथराव किया गया, उनकी एक शोभा यात्रा निकली थी उस पर पथराव किया गया। तो ये निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर सरकार की नाकामयाबी है और सरकार को चाहिए कि इस पर, ठीक है, सरकार की नाकामयाबी आप यहाँ पर बता रहे हैं, प्रशासन की लापरवाही आप यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसे में फजल अहमद साहब, ये बताए जरा, वहां पर 90% आबादी जो है वो मुसलमानों की है, एक मस्जिद दिखाई देती है काफी चकाचक नजर आती है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 10% हिंदू वहां पर अपने मंदिर का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, निर्माण कार्य वहां पर, जीर्णोद्धार का कार्य वहां पर करवाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को, आपके समुदाय के लोगों को वहां क्यों दिक्कत हो जाती है? ये भेदभाव क्यों? मस्जिद तो चकाचक हो लेकिन मंदिर नहीं होना चाहिए। फाजिल अहमद से संपर्क हमारा कट गया इस सवाल के साथ। मैं नितिन चतुर्वेदी आपका रुख करूंगी, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर ये भेदभाव खुलेआम हो रहा है। मस्जिद अच्छी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि 90% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन हिंदुओं के मंदिर में इस तरह का कोई काम ना हो, ये वहां पर मकसद क्या? नहीं देखिए, आपने पहले भी देखा होगा कि पहले पूर्व में क्या होता था, सड़कों पर नमाज होती थी। आज ये सरकार आई, उसने बंद किया, कभी हिंदुओं ने उसका विरोध किया? आप बताइए, हम तो हर जगह, आपके आप साउथ में जाइए, एक मंदिर है वहां पे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी क्या कहते मूर्ति लगी हुई है। हम तो सद्भावना का संदेश देते हैं, लेकिन ये विशेष वर्ग के लोग जो हैं कि हमेशा दंगा करने की उस पर क्यों रहते हैं, कि इनको हिंदुओं से, सनातन धर्म से किस तरह की क्या कहते हैं दुश्मनी है, और इनको जो जो इनका संरक्षक है वो भी सनातनी विरोधी है। इस तरह के जो लोग हैं, देखिए हमारा देश है जो सभी धर्मों का क्या कहते हैं सम्मान करता है। आप बाकी जाइए जो मुस्लिम कंट्री है वहां पे क्या कहते हैं सड़क पर नमाज के अलाउ नहीं है, बैन है, लेकिन हमारे देश में अलाउ थी। वहां पे वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है, हमारे देश में है। तो इनको जितनी हम सुविधाएं दे रहे हैं उतना ही ये और हम पे हावी होते जा रहे हैं। देखिए, हम हिंदू लोग जो है भगवान को मानने वाले लोग हैं। अभी आप जाहिर तौर पर ऐसे में इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, न्यायपालिका का राज है, ऐसे कैसे संभव होने दिया जा रहा है? इसलिए यहाँ पर नितिन जी संकल्प में आपका रुख करूंगी, सीधे सीधे यहाँ पर प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, यहाँ की पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसा होने क्यों दिया जा रहा है, एक खास समुदाय की दबंगई आखिर क्यों बर्दाश्त की जाए? तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि लगातार कुछ विवाद गहराता जा रहा था, तो प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना था कि किसी अनुमति नहीं ली गई, चाहे वो मस्जिद मुस्लिम वर्ग का लोग हो, चाहे वो हिंदू वर्ग के लोग हो, छत डलवाने के लिए मंदिर निर्माण के लिए हिंदू वर्ग के लोगों ने कोई प्रार्थना पत्र या प्रदर्शन को अवगत कराया हो, या मुस्लिम पक्ष के लोगों को आपत्ति को लेकर किसी भी तरीके कोई प्रार्थना पत्र संबंधित प्रशासन से दिया गया हो। लेकिन अब पूरे मामले को, चूंकि लगातार बहराइच की घटना के बाद उन्नाव प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और कहीं ना कहीं अब पूरे मामले की जांच कराई गई, जांच में
जरूर था, इसकी विवाद था, वो आबादी के क्षेत्र में निकली, आबादी क्षेत्र से निकलने का मतलब है कि जाहिर तौर पर किसी भी तरीके की कोई आपत्ति किसी वर्ग को नहीं होना चाहिए। इसमें हिंदू पक्ष की ओर से प्रशासन को प्रपत्र दिया गया जिसमें हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार की बात अब प्रशासन ने मुस्लिम वर्ग के लोग जो थे, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनसे आपसी सहमति करा दी गई है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए आपसी सहमति तो करवा दी गई है, ये बताए संकल्प की किन शर्तों के आधार पर, किन कंडीशंस के आधार पर ये समझौता हुआ है? देखिए शिल्पा, जब बात की गई है पूरे मामले का हिंदू और हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोगों से, तो जो मुस्लिम वर्ग के लोगों था उनको उनके उनसे साफ तौर पर कहना था कि यदि आपकी कोई किसी तरीके की दिक्कत है, कोई समस्या हो रही है, तो आप इसको लिखित में दीजिए, जैसे कि प्रशासन इस मामले को पूरी तरीके जांच कर रहा है। तो लेकिन मुस्लिम वर्ग के लोगों ने किसी तरीके कोई काफिला पकड़ लिया, क्योंकि बाहुल्य क्षेत्र था, ऐसे में उनका आतंक वहां पर कुछ अराजक तत्व थे जिनको पुलिस ने पाबंद किया है, जिनको पुलिस ने कार्रवाई की है, उनकी ओर से ये लगातार वहां पर विरोध किया जा रहा था। फिलहाल प्रशासन मौके पर जांच करने के बाद दोनों पक्षों को आपसी समझौता करा दिया गया है। ऐसे में इस समझौते के बाद क्या वहां पर माहौल बदला? आपकी वहां पर बात हुई होगी लोगों से, हिंदू समुदाय के लोगों का क्या कहना है? देखिए शिल्पा, बात हुई है हमारी वहाँ के स्थानीय लोगों से और इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं हिंदू जागरण मंच के और नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी इस पूरे मामले को आगे लेकर आए, क्योंकि लगातार मीडिया में जब सुर्खियां में आए तो कल वो इस गांव गए थे, आज भी उनकी उस गाँव में रही है, सीओ से उन्होंने बात की है। और कहीं ना कहीं पूरे मामले में चूंकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसे में कोई सांप्रदायिक हिंसा न हो, कोई किसी भी तरीके कोई बवाल न हो पाए, इस मामले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से बात की गई और हिंदुओं की आस्था को छेद न पहुंचे, उनके छेद न पहुंचे, उनका सम्मान किया जाए, और इस मामले को रखते हुए मंदिर बनवाने के निर्माण की जो बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं प्रशासन से मनवाई गई है। ठीक है नितिन जी, कुल मिलाकर यहाँ पर हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखा गया, समझौता करवा लिया गया, माहौल भी अब यहाँ पर शांत बताया जा रहा है, लग रहा है उम्मीदें लगाई जा रही है कि ये माहौल ऐसे ही बरकरार रहेगा, सस्टेन रहेगा। देखिए सबसे पहली बात तो समझौता किस बात का, इसमें समझौता कौन सा समझौता होगा भाई, हमारा मंदिर है, हम उसका रिनोवेशन करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे, उसमें समझौता किस बात का भाई। ये बताइए आप इस प्रदेश या पूरे देश में बताइए, जहां भी हिंदू, हर जगह लगभग हर जगह हिंदू बाहुल्य है, कितनी मस्जिदों पर आज तक किसी ने रोक लगाई, कितनी जगह आप बताइए मुझे, एक शोभा यात्रा बताइए क्या कहते हैं मुसलमानों की जिस पे हिंदुओं ने पत्थरबाजी की हो, सिर्फ हिंदुओं पे हर बात में क्यों पत्थरबाजी की जाती है, सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर क्यों इस तरह की कार्रवाई की जाती है, आखिर सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है कि सड़क पे क्या हिंदू भी उसी तरह कट्टर बन जाए, तब सरकार जानेगी आखिर कितना हिंदुओं की क्या कहते हैं उसको आप कितना उसका सम्मान करेंगे, कितने कितने दिन तक वो धैर्य रखेगा। आखिर एक मुझे बताइए पूरे देश में जहाँ हिंदू बाहुल्य हो और एक मस्जिद पे कहीं रोक लगाई गई हो, कहीं पर कुछ ही तरह की कोई नोटिस दी गई हो, आखिर हिंदुओं से समझौता किस बात का, कोई समझौता की बात नहीं है इसमें, पूरा पूरा बात ये होनी चाहिए कि हिंदू का मंदिर बन रहा है और बनेगा वहां पे, अगर उसका क्या कह रहे हैं हमारे हक की बात है, ऐसे में समझौते की कोई सवाल ही यहाँ पर खड़ा नहीं होता है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है और हम तो ये करेंगे। लेकिन जब विवाद उत्पन्न हो जाता है, जब दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, तब स्थिति गंभीर हो जाती है सर, मामले से फिर निपटा जाता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि उन्नाव का मामला तो सामने आ गया है, लेकिन ऐसे मामले न जाने और भी कहाँ कहाँ होंगे, ऐसे लोग न जाने और भी कहाँ कहाँ होंगे जो सनातन के दुश्मन बने बैठे हैं, छिपे बैठे हैं, उनका पर्दाफाश होना भी उतना ही जरूरी है। के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हिंदुओं का भी एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, हिंदुओं को भी उतनी ही ताकत देनी चाहिए, उतने ही क्या कहते हैं शक्तियां दी जानी चाहिए। अच्छा। जितने की माइनॉरिटी को दी जाती है, आज हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है, जिस तरह की घटनाएं देश में घटित हो रही है, हमें तो लगता है कि हम माइनॉरिटी है और वो बाहुल्य है, जहाँ वो बाहुल्य से जा रहे वहां वहां हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहे, आखिर सरकार क्यों सोचती रहती है, आखिर सरकार हिंदुओं के साथ कब आएगी, हिंदुओं की सरकार कहते हैं लोग और हिंदुओं के साथ हो कह रहा, खुद देखिए जहां हमारे बाबा माननीय योगी जी बैठे उनके राज में जब ऐसा होगा, सोचिए जब वो कल इन सदी बने रहेंगे तब क्या होगा। जाहिर तौर पर ये सवाल आपका वाजिब है संकल्प, सवाल ये भी खड़ा होता हुआ कि जहां पर हिंदू बाहुल्य होते हैं वहां तो मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता, इस तरह से उनको दबाव में नहीं लाया जाता, उनके ऊपर इस तरह से अत्याचार नहीं होता, तो फिर ये जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के अंदर हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जाता है, विवाद फिर वहीं से शुरू हो जाता है। और देखिए शिल्पा, बिल्कुल तरीके से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनमें आपत्ति का मामला, ये पहला मामला उन्नाव से है जहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर मस्जिद बनी है,
तमाम अजाने होते हैं, लाउड स्पीकर लगे हैं, लेकिन हिंदुओं की ओर से किसी भी तरीके कोई आपत्ति वहां पर नहीं की गई पूरे मामले में। लेकिन फिलहाल रानीपुर की जो घटना निकल के सामने आई है, प्रशासन ने इसको हाथ में जरूर ले लिया है, लेकिन अगर समय रहते इस घटना को समझाना जाता या इस मामले में तो कहीं ना कहीं बड़ी हिंसा रूप ले सकती थी पूरे मामले को। लेकिन फिलहाल पूरे मामले को शांति बना दी गई है। समझौते की अगर बात की जाए तो लिखित में समझौता लिया गया है कि इस मंदिर निर्माण में या जीर्णोद्वार में किसी भी तरीके की कोई समस्या किसी भी पक्ष की ओर से उत्पन्न नहीं की जाएगी। क्या इस समझौते के बाद फिर वहां पर मंदिर के अंदर निर्माण कार्य आगे प्रोसीड करवा दिया गया है? देखिए बिल्कुल, मंदिर कल बनने लगेगा और काम भी लगभग फौरी तौर पे काम जो है शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभी जो हिंदू जागरण मंच के प्रभारी मंत्री हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आज सामने नहीं आएगी। जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनसे तहरीर मांगी गई थी लेकिन वो पीछे हट गए हैं, उन्होंने किसी तरीके कोई तहरीर या प्रार्थना पत्र देना प्रशासन को जरूरी नहीं समझा, इसलिए हिंदू पक्ष के लोगों को सामने रखा गया और जीर्णोद्धार मंदिर जीर्णोद्धार की बात कही जा रही है और उसका से काम स्टार्ट भी हो जाएगा। जिसमें मंदिर की जो स्वच्छ निर्माण की बात कही जा रही है, क्योंकि लगातार 70 साल पुराना यह मंदिर बताया जा रहा है जिसमें शिव मंदिर एक शिवलिंग भी स्थापित है, क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक गांव के लोग हैं वो धार्मिक हो मुंडन कंछेदन इस तरीके के छोटे मोटे कार्य धार्मिक हिंदुओं के जुड़े हुए वो वहां मंदिर में करते थे। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच करने के बाद अब प्रशासन ने पूरी तरीके से कमान अपने हाथों में ली है और कहीं ना कहीं अब मंदिर की शुरुआत जरूर हो चुकी है। समझौता तो मंदिर निर्माण को लेकर हो गया, मंदिर का निर्माण भी जैसा कि आप बता रहे हैं वहां पर शुरू कर दिया गया है, जो जीर्णोद्धार का कार्य है वो भी वहां पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होता है। सवाल ये भी फिर खड़ा होता है संकल्प कि मंदिर तो बनकर तैयार हो जाएगा, उसका निर्माण कार्य भी एक दिन पूरा हो जाएगा, लेकिन वहां पर मंदिरों के अंदर जब कीर्तन होता है, सत्संग होता है, उसकी जो आवाज की वजह से कहते हैं ये मुस्लिम पक्ष के लोग कि हमारी अजान में इसमें दिक्कत परेशानी होती है, उसका क्या ये स्थिति तो फिर उत्पन्न हो जाएगी? देखिए शिल्पा, बिल्कुल साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, चाहे बहराइच की हो या अन्य किसी जिलों में, ये कहीं उन्नाव में भी ऐसी घटना हो सकती थी, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल उसे कंट्रोल कर लिया है। अगर बात की जाए कि मंदिर में अजान होने मस्जिद में अजान होने की, तो वहां के स्थानीय लोगों को कहना था कि जब मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर लगे वहां अजान होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये सवाल है, ये उन कक्षा समितियों के साथ में उन्नाव के प्रशासन ने भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उन्हें पाबंद किया है। अब अगर इस तरीके की कोई घटना या कोई बवाल खड़ा होता है, बिल्कुल ये दबंगई नहीं चलेगी, इस तरह से ये दबाव मिलाने का प्रयास नहीं चलेगा, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? नितिन जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए मेरा कहना साफ साफ है कि जहां भी हिंदू कम है और विशेष वर्ग के लोग बाहुल्य है, सरकार को चाहिए कि वहां पे हिंदुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे, क्योंकि ये घटनाएं आज नहीं कल प्रदेश में और बढ़ेंगी। जिस तरीके से हम पूर्व की घटनाओं से सबक लेते हैं तो हमें भी इस घटना से सबक लेना चाहिए और सरकार को तत्काल जहां भी विशेष वर्ग के लोग बहुल है और हिंदू कम है वहां पे तुरंत उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, वरना जहां पे हिंदू बहुल्य है कल वहां भी आपको यही घटनाएं देखने को मिलेंगी। और ऐसे में यहाँ पर प्रशासन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि कोई भी समुदाय, चाहे वो हिंदू समुदाय हो चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, दूसरे समुदाय को दबाने की कोशिश ना करे, इस तरह से अपनी दबंगई पर ना उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प दीक्षित इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।